स्वागत है आपका सभी का गाइस। ये वृंदावन ट्रिप का सेकंड डे है। इसमें मैं आपको गोवर्धन परिक्रमा, राधा कुंड, मानसी गंगा, पुछरी का लोटा, जतिपुरा, श्रीनाथ मंदिर, फूड और अपने होटल का एक्सपेंसेस आपको बताऊंगा। तो जल्दी शुरू करते हैं नेक्स्ट डे। ये है गिरिराज टेम्पल, जो परिक्रमा करने से बिल्कुल पहले स्टार्ट होता है। तो रात को तो मैंने आपको ये मंदिर दिखाई दिया। मेन फोकस करते हैं हम अपनी परिक्रमा पर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मौसम भी ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ तो धूप निकल आई है। आपको अगर करनी है तो सुबह 5 या 6 बजे स्टार्ट कीजिए, ताकि ठंडे ठंडे मौसम में होते रहे। वैसे ये 24 घंटे परिक्रमा होती रहती है, आप कभी भी कर लीजिए। अब तो सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स भी काफ़ी अच्छी लगा दी हैं, तो सुनसान रास्ता नहीं लगेगा। ये मंदिर के सामने पूरी रात को मैं दिखा नहीं पाया, अंधेरा था। आप देख लीजिए, अच्छी अच्छी दुकानें रौनक सजी हुई हैं सारी, जहीं पे आपको पानी वगैरह जो गिरिराज जी पे चढ़ता है वो भी मिल जाएगा, पेड़े, बर्फ़ी, फूल इत्यादि सारा कुछ मिल जाएगा। ये बड़ी परिक्रमा का एंट्री है, तो एक बार हम इनको नमस्कार करके गिरिराज जी को, उनका नाम लेके परिक्रमा अपनी स्टार्ट करते हैं। जय गिरिराज भगवान की। तो ये एरिया है, इन्होंने यहाँ से बड़े वाहन की एंट्री बंद कर दी है, ये सिर्फ परिक्रमा के लिए ही रास्ता रह गया है। तो हम अब परिक्रमा के अंदर एंट्री कर रहे हैं, चलते हैं अपने परिक्रमा के रास्ते में। जो जो अगर जिनको नंगे पैर चलने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो उनके लिए ये वाली सॉक्स हैं, ये पहन के आप कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, और बैटरी वाले भी चलते हैं, और सिंपल रिक्शे भी चलते हैं। आपको जैसे करनी है, आप जिसमें भी आप खुश हैं आप वैसे कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इनको पैदल करनी चाहिए। परिक्रमा का डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, 21 किलोमीटर का रहता है ये। ज़्यादातर ये 5 या 6 घंटे में होती है पूरी, अगर आप पैदल कर रहे हैं तो, नहीं तो ऑटो में तो जल्दी हो जाएगी। ये आप यहाँ से ले लीजिए, अगर आपको आगे काफ़ी सारे मंदिर मिलने वाले हैं, तो अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ चढ़ाना है तो यहाँ से पूरा एक गुच्छा ले लीजिए, 50 रुपये का आता है ये। यहाँ से हमने जो भी रास्ते में मंदिर आएंगे वहाँ पर माथा टेकते हुए हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा अभी गर्मी है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मैं ठंडे में ही कवर कर लूँ तो बेटर है। तो बीच में मिलते हैं, अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ हर पेड़ पर, ग्रिल पर या सड़क के आसपास बंदर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अपना खाने का सामान अपने बैग में डाल के रखिए। मैं भी मोबाइल अपना छुपा कर ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्या पता कहाँ से कोई बंदर आ जाए, मेरी सारी रिकॉर्डिंग बीच में ही रह जाएगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, अपना पूरा ध्यान रखिए, चलते फिरते आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देखिए, ऊपर नीचे, क्योंकि बंदर यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, उनको आपके चश्मे से मतलब रहेगा, आपके खाने से, जय शनिदेव, आपके खाने से भी मतलब रहेगा, फ़ोन से। तो जो भी है आप अपने बैग में डाल के रखिए और फिर आराम से चलिए, अपने हाथ में कुछ मत रखिए। तो चलते हैं आप आगे। ये एंट्री है, ये प्रतीक है गोवर्धन का कि यहाँ से आपकी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। काफ़ी पुराना, मैं कब से देख रहा हूँ ये एंट्री है। तो हम चलते हैं, अब अंदर मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपसे बीच में मिलते हैं। संकर्षण कुंड मैनेज्ड बाय ब्रजधाम। तो एक ये बीच में कुंड दिखा, मेरे को लगा मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, साफ़ सुथरा सा है। अब देख लीजिए एक बार, ये रौनक कितनी है यहाँ। शाम को आते होंगे शायद यहाँ पे देखने के लिए, ये गिरिराज भगवान जी। जब ये दिवाली के आसपास गोवर्धन पूजा होती है, तो ऐसे कई सारे आपको यहाँ पे स्पॉट मिल जाएंगे, जहाँ पे इन्होंने गिरिराज भगवान बना रखे होंगे, जहाँ आरती पूजा वगैरह जो करते हैं भक्तजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड पे जैसे आपने देखा अभी हम आगे एक मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। उस मंदिर का नाम है पूचरी का लोटा। ये तकरीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद आपका एक मंदिर आता है। तो जो भी परिक्रमा पैदल कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा से कर रहे हैं, वो ज़रूर यहाँ पर आकर माता जरूर टेकते हैं अपना। तो ये है मेन मंदिर, प्राचीन मंदिर पूचरी का लोटा। पूचरी का लोटा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा कि क्यों है ये मंदिर, किस लिए प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए आप सारा एक बारी। मार्केट आई, मार्केट आई, मार्केट आई। तो अब एक मंदिर हम जाने वाले हैं जो ये गोवर्धन का मेन पार्ट है, जतिपुरा गोवर्धन, मतलब जतिपुरा में एक श्रीनाथ मंदिर है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ जाने से पहले एक ये मार्केट आती है जिसमें आपको सारा कुछ श्रृंगार का सामान, खाने पीने का, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टॉल लगी हुई हैं। हम चल रहे हैं अंदर जतिपुरा श्रीनाथ मंदिर में। वहाँ पे गिरिराज भगवान को रोज़ श्रृंगार होता है, 3 बार 4 बार। तो काफ़ी बार आपने उनके दर्शन किए होंगे। आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊँगा कितना रश होता है वहाँ। तो चलते हैं वो उस वाले मंदिर में। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है, मतलब रश ऐसे है कि एक बार पूजा कर ली फिर वो साइड हट जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, मतलब ऐसे नहीं है, यहाँ धक्का मुक्की नहीं रहेगी। तो जो भी परिक्रमा करने आते हैं वो यहाँ इस मंदिर में ज़रूर एक बार ही आते हैं, हाजिरी लगाते हैं गिरिराज भगवान के आगे। गोवर्धन के अंदर कितने सारे मंदिर आते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। जो जो उनसे भी मंदिर बीच में आएंगे, कुंड आएंगे, मैं सिर्फ आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो इस मंदिर में हम अब पूजा करते हैं, माता टेकते हैं। हाँ मज़ा आ गया, काफ़ी पास से मेरे को दर्शन हुए गिरिराज भगवान के। तो अब चलते हैं कुछ खाते हैं। ये पानी वगैरह जो गिरिराज जी को चढ़ता है, ऊपर दूध मिला के, ऊपर गुलाब जल डाल के, यहीं से मिल जाता है, यहीं पे आप अपनी चप्पलें उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ की फेमस समोसा चाट खाने के लिए। लस्सी भी यहाँ की काफ़ी फेमस है, कचौरी, आलू, ये देखिए सारी स्टॉल लगी हुई हैं और रेट भी काफ़ी अच्छा है। 20 रुपये 30 रुपये में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी सुबह का ब्रेकफास्ट। मुझे लगता है यहाँ गोवर्धन वाले तो सुबह ब्रेकफास्ट यहीं करते होंगे, इनका ब्रेकफास्ट है भी यही, सारा दिन फिट रहते हैं, मतलब ये खा के आपको वो नहीं लगेगा आलसी, ये सुस्ती वगैरह। हम करवाते हैं अपनी समोसा चाट और खाते हैं, पहुँचते हैं अपनी मंजिल। ये देखिए हमने कराई है एक 30 रुपये की समोसा चाट, खाते हैं चलो। हमने खा लिया आराम से, मज़ा आ गया। अब हम अगला कुंड देखने चल रहे हैं। ये इनके टेंपल से निकलते ही एक बाहर कुंड था, सोचा आपको दिखा दें। अब थोड़ा सा बैटरी वाले रिक्शे का फील लेते हैं, हमें जहाँ जाना है 1 किलोमीटर दूर है, तो सोचा थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग बैटरी वाले रिक्शे में भी करा दें और गोवर्धन पूरा घुमा दें। कितनी साफ़ सफाई करी है अब सरकार ने। तो चलते हैं हम गोवर्धन परिक्रमा, जो अब अगला स्टॉप रहेगा हमारा राधा कुंड। तो जय श्री राधे, ये है राधा कुंड।
यहाँ पे हमने पूजा की थाली ले ली है। नंगे पैर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एकदम डायरेक्ट धूप पड़ रही है इन टाइल्स पे, इतनी गर्म टाइलें हैं ना यहाँ की, अरे बाप रे। तो जल्दी से जल्दी पहले चलते हैं अंदर और आरती करते हैं राधा कुंड में। वो सामने श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। अब एक बार ये पूरा नज़ारा देख लीजिए। किसी की गाइड से हमने पूजा कर ली थी, उन्होंने सारा करवा दिया विधि विधान से। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे मानसी गंगा की तरफ, थोड़ा सा जल्दी। तो ऐसा है, परिक्रमा हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, 2 किलोमीटर रह गई है। उससे पहले एक ये मंदिर आता है मेन, मानसी गंगा, श्री गंगा मैया मंदिर। तो ये मंदिर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे अगरबत्ती, दिया, नारियल और ये दूध चढ़ता है भगवान को। तो अंदर से आपको ये मंदिर दिखाता हूँ मैं पूरा, आप देख लीजिए। यहाँ पे भी अगर कैमरा अलाउड नहीं हुआ डायरेक्ट फ़ोटो का तो मैं क्लिक नहीं कर पाऊँगा। आप पूरा एक बार ये मंदिर देख लीजिए, कितना बढ़िया बनाया हुआ, साफ़ सुथरा मंदिर है ये, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ लोग आके स्नान भी करते हैं, वो एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। मानसी गंगा, गंगा से डायरेक्ट पानी आ रहा है यहाँ पे। मानसी गंगा मतलब भगवान कृष्ण ने अपने मन से प्रकट की थी, तो इसका नाम है मानसी गंगा। ये रहा श्री गंगा मैया मंदिर, उसके सामने गिरिराज भगवान जी का पूरा वो है, जिसमें फ़ोटो अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड सारे खड़े हुए हैं, इसलिए मैं बाहर से। इस मंदिर की 4 परिक्रमा करनी होती है घूम के, तो वो 4 परिक्रमा अगर आपने कर ली तो पूरे गोवर्धन की भी परिक्रमा मानी जाती है कहते हैं ये, अगर वो नहीं कर पाते हैं। वैसे तो आपको वही करनी चाहिए। तो मंदिर आप पूरा देख लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको श्री विग्रह मिल जाएंगे, राधा कृष्ण के, गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के, गंगा मैया का और भी काफ़ी। और जेब कतरों से सावधान रहिए, काफ़ी भीड़ में कई बार जेब कतरे मिल जाते हैं, अपने फ़ोन का ध्यान रखिए। जय गिरिराज भगवान की। बाहर से ही मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा, अंदर अलाउड नहीं है। तो मंदिर आप पूरा देख लीजिए, मैं मिलता हूँ बाद में। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ लोग स्नान भी करते हैं, ये डायरेक्ट पानी गंगा जी से आ रहा है। यहाँ पे आप स्नान कीजिए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अलग अलग टोटियाँ लगी हुई हैं, कोई ज़्यादा वो रश भी नहीं है, एक के नीचे खड़े हो जाइए, आराम से स्नान कीजिए, काफ़ी अच्छा लगा। मैं अकेला आया हूँ तो मैं सामान का रखूँगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत है, मैं स्नान नहीं कर पाया, सॉरी। आपको पूरा ये दिखा देता हूँ एरिया कैसा है। कोई अगर फेस्टिवल होता है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जैसे कि गोवर्धन पूजा होती है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। इस बार थोड़ा सा कम है रश, मतलब मे भी शायद जून जुलाई में कम आते होंगे लोग यहाँ। जय शिव शंकर। तो आप एक बार ये पूरा देख लीजिए एरिया। ये इस मंदिर का एग्जिट पॉइंट है। सीढ़ियाँ यहाँ पे इसलिए नहीं रखी हुई हैं कि अगर बुज़ुर्ग आदमी भी आ रहा है आराम से वो चढ़ के जा सकता है। और ये बैटरी वाले रिक्शे आराम से सामने मिल जाते हैं, अगर आपको सफ़र का आनंद लेना है तो आप इस पे भी ले सकते हैं। परिक्रमा अगर आपकी, मैं इनका रेट बता दूँ, 70 से लेकर 150 रुपये लेते हैं, ये पूरी परिक्रमा आपको करा देते हैं। तो ये हमारी परिक्रमा हो गई है समाप्त। बीच में 2 किलोमीटर हमने रिक्शा लिया था, वो भी बस गोवर्धन की क्लीननेस और ओवरऑल दिखाने के लिए। यहाँ पे ये ऑटो रिक्शा वाले आपको उतार देते हैं, यहाँ पे नहीं उतारते, यहाँ मानसी गंगा के पास ही आपको उतार देंगे। थोड़ा सा फिर ये पैदल चल के आपको आना पड़ता है। तो ये हमारी सारी परिक्रमा हो गई है, अब कुछ खाते हैं, थोड़ा सा भूख लगी है। यहाँ पे भैया दिखे मुझे, ये क्या करते हैं, कुलचे छोले बनाते हैं, विदाउट ऑनियन गार्लिक भी देते हैं, मतलब साथ में आपको प्याज दे देंगे ऊपर से डालने के लिए, वैसे ये प्योर सात्विक भोजन देते हैं। तो एक प्लेट कराते हैं भैया से हम। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वृंदावन ट्रिप का डे 2 जो है
ये पसंद आया होगा। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ दोपहर हुई है। यहाँ से मैं जाऊँगा रात को वृंदावन, शाम को वहाँ की डिटेल दिखाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहे इस व्लॉग के अंदर और सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे आगे हैं प्लेट, मैं ये खाता हूँ, आपसे मिलता हूँ शाम को। थैंक यू वेरी मच।